हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर एस एस चौहान एंड यू आर वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल चौहान मैथ्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। यू कैन सी दिस क्वेश्चन, एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। इसके पहले वाली वीडियो में टेन एच इनवर्स एक्स प्रेजेंट था, तो हमने उसमें एक्स इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक थीटा पुट किया था। इस क्वेश्चन में साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग एक्स इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक थीटा पुट करेंगे। एज ए रिजल्ट डी एक्स कॉस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा बन जाएगा। और हमारा इंटीग्रल एक्स का मतलब है साइन एच थीटा, और साइन एच इनवर्स साइन एच थीटा, डी एक्स का मतलब कॉस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा बन जाएगा। आगे चले साइन हाइपरबोलिक थीटा, साइन एच इनवर्स साइन एच थीटा, ये थीटा हो गया, और ये अगला कॉस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा। दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल थीटा, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा। अगर हम लोग हाफ और डबल कर दें तो ये टू साइन ए कॉस ए साइन टू ए हो जाएगा और इजिली इंटीग्रेबल हो जाएगा और हम लोग क्वेश्चन को बाई पार्ट्स कर सकेंगे। तो ये हाफ हो गया, थीटा ओके है, साइन हाइपरबोलिक टू थीटा हमने लिख डाला। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये डिफरेंशिएबल, ये इंटीग्रेबल। स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल करना। फर्स्ट फंक्शन थीटा, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड कॉस हाइपरबोलिक टू थीटा बाई टू। इंटीग्रेशन के फार्मूले लेक्चर नंबर वन में दिए हुए हैं, वहाँ से याद करें। कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। माइनस इंटीग्रल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज वन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड कॉस हाइपरबोलिक टू थीटा बाय टू डी थीटा। आगे चलिए, ये वाला टू ये टू बाहर करो, वन बाय फोर आउट हो गया। थीटा कॉस हाइपरबोलिक टू थीटा माइनस कॉस हाइपरबोलिक टू थीटा का इंटीग्रल साइन हाइपरबोलिक टू थीटा बाय टू, और उसके बाद ये प्लस सी, और इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसमें याद दिला दूं, एक्स जो है वो साइन हाइपरबोलिक थीटा है, और इसलिए थीटा साइन एच इनवर्स एक्स है। जहाँ जहाँ थीटा दिखता है वहाँ साइन एच इनवर्स एक्स लिख देने से काम चल जाएगा। वैसे तो इसके काफ़ी सारे ट्रिग्नोमेट्री यूज करके काफ़ी सारा चेंज किया जा सकता है, लेकिन मेन वर्क आपका यहाँ पर हो गया मेरे ख्याल से। और इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।